स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्लास ट्वेल्थ बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। चलिए हम शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, या तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, या फिर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपसे, प्रूव दैट एन इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। ये डेरिवेशंस काफ़ी बार क्लास 12 CBSE में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम एक ग्लास प्रिज्म लेते हैं, ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, इसके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 100%। ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। अब हम इसमें रिफ्रैक्शन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ रखा हुआ है, एक मीडियम में रखा हुआ है। मान लीजिए हमारा ग्लास प्रिज्म कहाँ रखा हुआ है, एयर के अंदर, ठीक है। एयर, तो एयर हमारे पास कैसा मीडियम होता है, एयर हमारे पास एक रेरर मीडियम होता है। रेरर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, ज़्यादा होती है। और यहाँ पर भी एयर ही है हमारे पास, मतलब एयर में रखा हुआ है, ये भी रेरर मीडियम है। यानी एयर के बीच में हमने एक ग्लास प्रिज्म को रख दिया। मान लेते हैं एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 माना हुआ है, और ये जो हमारे पास ग्लास प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं N2। N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। चलिए रिफ्रैक्शन कराते हैं, हम एक लाइट रेस पास कराते हैं इस ग्लास प्रिज्म से, तब देखते हैं क्या होता है। हमने एक लाइट रेस पास कराई, इस आने वाली रेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस प्रिज्म की जिस सरफेस पर भी ये लाइट रेस इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, जिस तरह से हम रिफ्रैक्शन के अंदर करते आए हैं। तो इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल हो चुका N1। अच्छा, अब लाइट रेस कहाँ जाना चाहती है, रेरर मीडियम से ग्लास के अंदर। ग्लास कैसा मीडियम होता है एयर के कंपैरिजन में, एयर इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट मीडियम। एयर सबसे रेयरेस्ट मीडियम होता है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। अब लाइट हमारी कहाँ जाना चाहती है, रेरर मीडियम से प्रिज्म के अंदर। तो प्रिज्म हमारा कैसा होगा, ग्लास प्रिज्म एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा एयर के कंपैरिजन में। तो लाइट हमारी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना चाहती है। तो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी, जब कोई लाइट रेज रेरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो कहाँ बैंड होती है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जाना चाहती थी ये बिल्कुल सीधा, जाना चाहती है हमारी लाइट रेस बिल्कुल सीधा, बट रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी स्पीड चेंज होने की वजह से, मीडियम की स्पीड चेंज होने की वजह से ये लाइट रेस टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाती है। अगर रेरर से डेंसर की तरफ जाती है तो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। जाना चाहती थी सीधा लेकिन नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अच्छा चलिए, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दूसरा, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसको हम R1 बोल देते हैं, क्लियर, R1। अच्छा, अब देखो लाइट रेज इस वाली सरफेस पर स्ट्राइक की। अब लाइट रेज कहाँ आना चाहती है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के अंदर आना चाहती है, यानी ग्लास से एयर में आना चाहती है। तो ये एक तरह से इस वाली सरफेस के लिए ये रेज हमारी इंसिडेंट रे की तरह काम करेगी, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे, क्लियर। एक हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया, इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, क्लियर। तो नॉर्मल हम N2 बोल देते हैं इस नॉर्मल को। अच्छा, अब लाइट रेज देखो कहाँ जाना चाहती है, जाना तो सीधा चाहती थी लाइट रेज, जाना चाहती है बिल्कुल सीधा लाइट रेज, बट अगर लाइट रेज डेंसर से रेरर में आती है, कहाँ से, डेंसर मीडियम से अगर रेरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जाना चाहती थी सीधा तो नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, देन इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल।
अच्छा तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। अच्छा ये लाइट रेज एक सरफेस से इमर्ज होकर बाहर आ रही है, इसीलिए है तो ये रिफ्रैक्टेड रे, इसीलिए हम इसको इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, क्योंकि सरफेस से इमर्ज होकर बाहर आ रही है, इसको इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, इमर्जेंट रे। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा अब ये देखो, ये इंसिडेंट रे है हमारे पास इस वाली सरफेस के लिए, और ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं हम। बट एक कंडीशन है यहाँ पर, मैं इस वाले एंगल को कुछ देर के लिए आर टू बोल रहा हूँ, कुछ देर के लिए आर टू बोल रहा हूँ। अभी मैं इसका आंसर बताऊँगा कि मैंने इसको आर टू क्यों कहा, इसको आई क्यों नहीं कहा, इसको आई टू क्यों नहीं कहा। एक रीज़न है, पूरा 100% समझ में आएगा। आर टू मैंने इसको क्यों कहा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारे पास। अगर लाइट रेस इधर से आ रही है तो कोई मसला नहीं है, इसको हमने आई ना बोलकर, आई टू ना बोलकर इसको हमने आर टू बोला। क्यों बोला उसका आंसर अभी मिलेगा। अच्छा अब देखो, ये लाइट रेस इमर्ज होकर बाहर आ रही है यानी रिफ्रैक्ट हो रही है, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं, बट हमने इसको इमर्जेंट रे बोला क्योंकि ये सरफेस से इमर्ज होकर बाहर आ रही है, इसलिए इमर्जेंट रे बोला हमने इसको। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्लियर, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा अब मेरी बात सुनो, लाइट रेस हमारी स्टार्टिंग में लाइट रेस जाना चाहती थी बिल्कुल सीधा, लेकिन ये अपने पाथ से कितना डेविएट हुई, अपने पाथ से ये इतना डेविएट हुई। तो कितना डेविएट हुई, अगर मैं इस इमर्जेंट रे को थोड़ा पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा लेता हूँ तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि लाइट रेस कितना इमर्ज हुई। ये आपको पता चल गया कितना इमर्ज हुई, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ, ये डेविएट कितना हुई, लाइट रेज एग्जैक्टली सीधा जाना चाहती थी लेकिन ये अपने पास से कितना डेविएट हुई, कितना डेविएट हुई, इतना, इतने डिग्री डेविएट हुई, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब एंगल ऑफ प्रिज्म हम किसको बोलते हैं, ठीक है, अब ये हमारे पास प्रिज्म, इस वाले एंगल को प्रिज्म बोले या इस वाले एंगल को प्रिज्म बोले, तो हम जिस साइड में इस रेस के, मतलब ये वाली रे प्रिज्म को दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है, जिस साइड में सिंगल एंगल आपका रहता है उसी एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल ए इज़ दी एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको। अच्छा क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा, ये आप ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में दो एंगल, एक एंगल R1 एक R2, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला एंगल कितना होगा, तीनों एंगल का सम होता है 180, यानी R1 प्लस R2, कुछ देर के लिए आप इसको x मान लीजिए, प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे 180 माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 180 के माइनस में पहुँच जाएगा, तो ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस आर टू, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। चलिए आगे, अब एक चीज़ और भी है आपको समझना है, आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल। अब देखो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये एंगल आई है हमारे पास तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इस पूरे एंगल में से यानी आई में से आप आर वन निकाल दीजिए तो ये आई माइनस आर वन हो जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं, मैं इस वाले एंगल की आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए। इसी तरह से आप ये देखिए, एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास, अगर ये एंगल ई है तो हमारे पास ये पूरा एंगल भी, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये भी ई ही होगा, तो ई में से अगर मैं आर टू निकाल देता हूँ तो ये वाला एंगल ई माइनस आर टू हो जाएगा आपका, ई माइनस आर टू। चलिए तो ये हमारा एक डायग्राम कंप्लीट हुआ यहाँ पर, अब इसको हम नेमिंग वगैरह कर देते हैं, इस प्रिज्म को नाम दे दीजिए आप एक्स वाई एंड जेड, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी आप नाम दे दीजिए कुछ पी, इसको क्यू नाम दे देते हैं हम पी क्यू, इसको नाम दे देते हैं आर पी क्यू आर। अच्छा चलिए अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या प्रूफ करना है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू हमें प्रूफ करना है। चलिए हम शुरू करते हैं अब अपने डेरिवेशंस को। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल क्यू आर
इस पॉइंट को भी नाम दे दीजिए, ये हमने इस पॉइंट को नाम दिया पी क्यू आर, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप एस। अगर मैं इस पॉइंट की इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल क्यू आर एंड एस, इस ट्राइंगल में देखो आप, ये डेल्टा हमारे पास, डेल जो हमने एंगल लिया, एंगल ऑफ डेविएशन, ये एक तरह से इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इन ट्राइंगल क्यू आर एस डेल्टा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू, ये आई माइनस आर वन है ये वाला एंगल, और ये ई माइनस आर टू है। क्लियर, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, तो आई और ई को एक साथ लिख लेते हैं हम, माइनस आर वन माइनस आर टू को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये आई प्लस ई को हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, यहां से हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आर वन प्लस आर टू बचेगा। तो डेल्टा हमारे पास आया आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, इसको इक्वेशन नंबर वन हम कह देंगे। अच्छा, अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे मेरा काम क्या है, आई और आर की वैल्यू निकालना, इस आई की और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकालना। अब एक काम मैं और कर रहा हूँ, आपको एक क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा होगा, वाई क्यू पी एस, ये क्वाड्रिलेटरल आपको नज़र आ रहा होगा, वाई क्यू पी एस, इसमें बात कर रहा हूं इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल वाई क्यू पी एस, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, यानी एंगल ए प्लस ये वाला एंगल हमने प्रिज्म का एंगल क्या माना हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए प्लस दिस एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, ए प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया था 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, 180 माइनस आर वन प्लस आर टू प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल भी हमारे पास प्रिज्म की सरफेस है नॉर्मल, ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, प्लस 90, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। अच्छा, तो ए प्लस ये 180, 90, 270 और 90, 360 हो जाएगा, ए प्लस 360 माइनस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू 360। अच्छा, 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए माइनस आर वन प्लस आर टू आपके पास रहेगा, तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, इसको आप इक्वेशन नंबर टू नाम दे देंगे। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, एक ग्राफ मैं आपको प्लॉट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक प्रैक्टिकल ग्राफ है हमारे पास, प्रैक्टिकल ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, प्रैक्टिकल ग्राफ, ये प्रैक्टिकल ग्राफ ड्रा किया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच। अच्छा, तो बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिए, बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, अलग अलग एंगल से हमने इंसिडेंट रे पास कराई, हमने एंगल ऑफ डेविएशन को चेक किया, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आए, और उसका जो ग्राफ हमें प्रैक्टिकल मिला, एक रेज्ड ग्राफ हमें मिला, ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं है, एक रेज उठा हुआ ग्राफ हमें नज़र आया। अब आप इस ग्राफ की खासियत देख रहे होंगे, अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं किसी एक पर्टिकुलर पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज मैंने यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन चेक करने की कोशिश की, तो इस पॉइंट पर जो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने देखा, यहां पर जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है, सपोज आप मान लीजिए डेल्टा वन, डेल्टा वन एंगल ऑफ डेविएशन है ना, इस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन, डेल्टा वन। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन की एक वैल्यू पर अगर आप देखना चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक मिलेगा आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस की यहाँ पर एक वैल्यू, तो यहाँ पर मिलेगी डेल्टा वन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, एक तो आई वन मिल रही है और ये भी डेल्टा वन, और इस पॉइंट पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक दूसरी वैल्यू मिल रही है आई टू, यानी एक एंगल ऑफ डेविएशन पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू मिल रही है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम वैल्यू देखेंगे, एक वैल्यू पर फिर से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे, यहाँ पर भी हमें एंगल ऑफ
इंसिडेंस की दो वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये जो हमारे पास मिनिमम जहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की अगर मैं बात करता हूँ डेल मिनिमम, तो डेल मिनिमम पर सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज आई। क्लियर? तो अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम लूँ तो मुझे सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। क्लियर? अच्छा, तो ये जो डेरिवेशन हम प्रूफ करेंगे डेल मिनिमम के लिए ही है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम इस डेरिवेशंस को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो जब हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। इस बात को लिख लेते हैं, सिंस डेल्टा कैसा है हमारे पास मिनिमम, सिंस डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस के पास सिर्फ ओनली वन वैल्यू रहेगी, ओनली वन वैल्यू, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो आप, अब मैं आपको बताने चाहता हूँ कि ये आर टू मैंने क्यों लिखा। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास ये डेल्टा मिनिमम है यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो इस एंगल ऑफ डेविएशन पर सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ही वैल्यू रहेगी। अच्छा, अब सुनो, अगर मैं लाइट रेस को यहाँ से पास करा रहा हूँ, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक वैल्यू, सपोज 30 डिग्री है, मैंने मान ली 30 डिग्री पर मैं लाइट रेस को इंसिडेंट करा रहा हूँ, तो एंगल ऑफ डेविएशन की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, मान लेते हैं सपोज 40 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन, जस्ट एग्जांपल्स। अच्छा, अगर मैं लाइट रेस को इस वाली साइड से पास करा रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास 30 है, एंगल ऑफ डेविएशन 40 है। वहीं अगर मैं अपोजिट साइड से, क्योंकि प्रिज्म तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर मैं अपोजिट साइड से लाइट रेस पास कराऊंगा, है ना, तो डेल मिनिमम के लिए अपोजिट साइड से लाइट रेस पास कराऊंगा, तो लाइट रेस मेरी कहाँ से ट्रेस होकर वापस आ जाएगी, सेम पास से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिस पास से लाइट रेस जाती है उसी पास से लाइट रेस हमारी वापस आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री से भेजूंगा तो वापस भी कितनी डिग्री से आएगी, इसको 30 डिग्री से, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। अगर मैं इस वाले पास से लाइट रेस को इंसिडेंट कराऊंगा तो इस पास से ट्रेस होकर आ जाएगी, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव करेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव करेगा। हाँ, अब सुनो, अगर इस रास्ते से मैं भेजूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक ही वैल्यू रखूंगा 30, तो मेरी बात सुनो, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों होगा? अगर मैं इस रास्ते से लाइट रेस को वापस ट्रेस कराने लगूंगा, वापस लेकर आऊंगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा अगर मेरा डेल मिनिमम होगा, एक कंडीशन, सिंस डेल्टा हमारे पास कैसा है मिनिमम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, और उस कंडीशन में एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मुझे ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है R1। अब यहां से अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 रखूंगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा क्या? तो ये भी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, इसीलिए मैंने इसको R2 बोला था, क्लियर? अब आपको समझ में आ गई होगी, अगर लाइट रेस यहाँ से पास कराएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास ये R1, अगर लाइट रेस को इस वाले पाथ से हम पास कराएंगे तो ये इंसिडेंट रे और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 कहलाएगा। अब सुनो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सिर्फ जब हमारे पास डेल मिनिमम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास R1 होगा। अब यहाँ से 30 डिग्री पर, सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मेरे पास 20 डिग्री वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 20 डिग्री वैल्यू आ रही है, अगर मैं लाइट रेस को इस रास्ते से इंसिडेंट कराता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी मुझे कितना मिलेगा, 20, यानी R1 और R2 की वैल्यू इक्वल रहेगी। तो जब हमारे पास डेल मिनिमम रहेगा तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल रहेगा और R1 और R2 की वैल्यू आपस में इक्वल रहेगी। इनको R1 R2 ना बोलकर हम स्मॉल r बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर? अब एक काम कर लेते हैं, हम पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेशन वन के अंदर आई और ई की, ठीक है, ई की वैल्यू पुट कर देते हैं और R1 R2 के प्लेस पर R रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। यहाँ से हम बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन,
इक्वेशन वन से बात कर लेते हैं, तो डेल्टा, अब डेल्टा कैसा ले रहे हैं, मिनिमम, तो डेल्टा इज इक्वल टू, जब डेल्टा मिनिमम होगा हमारे पास तो मैं ई के प्लेस पर क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ, तो आई प्लस आई माइनस एंड आर वन आर टू आपस में इक्वल रहेंगे, आर वन आर टू के प्लेस पर मैं आर रख सकता हूँ, एक कंबाइंड वैल्यू ले ली मैंने आर प्लस आर, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आई माइनस ट्वाइस ऑफ आर, यहाँ से हम टू कॉमन ले लेंगे तो आई माइनस आर हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, टू आई माइनस आर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, तो टू को आप डिवाइड में भेज दीजिए, डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, आई माइनस आर, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब इक्वेशन टू से हम बात करेंगे, इक्वेशन टू से, इसको इक्वेशन नंबर कुछ देर के लिए थर्ड बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, तो ए इज इक्वल्स टू आर वन आर टू, जब हमारे पास डेल मिनिमम है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो आर वन आर टू आपस में इक्वल रहेंगे, तो इसको आर प्लस आर लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, क्लियर है यहाँ तक, ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकाल देंगे, ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर इज इक्वल्स टू ए बाई टू हो जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू ए बाई टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आर इज इक्वल्स टू ए बाई टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस और निकालेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इतनी बात आप नोट कीजिएगा। चलिए, इतना मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इतने नोट कीजिएगा इसको। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थ्री के अंदर आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, तो डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, आर के प्लेस पर हम रख सकते हैं a बाई टू, तो a बाई टू को आप इधर ले आइए, डेल मिनिमम बाई टू प्लस a बाई टू इज इक्वल्स टू आई, अब यहाँ से हम टू एलसीएम ले लेंगे, टू डेल मिनिमम प्लस a, तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी, i इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम प्लस a बाई टू, क्लियर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस डेल मिनिमम बाई टू, a को हमने पहले लिखा और डेल्टा मिनिमम को हमने बाद में लिखा, i इज इक्वल्स टू a बाई टू, i की वैल्यू कितनी आई, a प्लस डेल m बाई टू और r की वैल्यू a बाई टू, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ होता है, अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो तब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमसे क्या कहता है, स्नेल्स लॉ आपको अप्लाई करना आना चाहिए, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू इस मीडियम का एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस n1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और दूसरे मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन, अब r1 लिखे हैं r2 दोनों ही सेम है तो साइन r हम लिख देंगे, क्लियर यहाँ तक। n1 इंटू साइन i के प्लेस पर i की वैल्यू रख देंगे, i की वैल्यू कितनी आई, a प्लस डेल मिनिमम बाई टू, तो a प्लस डेल मिनिमम बाई टू इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन, r के प्लेस पर हम कितनी वैल्यू रखेंगे, a बाई टू। अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि साइन a बाई टू को साइन के डिवाइड में लेकर आ रहा हूँ, साइन a प्लस डेल m बाई टू के प्लेस पर, साइन a प्लस डेल m बाई टू, इसके डिवाइड में मैं साइन वाली टर्म्स लेकर आ रहा हूँ, डिवाइडेड बाय साइन a बाई टू, और n1 को n2 के डिवाइड में लेकर जा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू n2 बाय n1, यहाँ तक क्लियर। चलिए, थोड़ा सा हम और आगे की तरफ चलते हैं, इसको नोट कीजिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सारी चीज़ें हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, बस डेरिवेशन आपका यहाँ प्रूफ हो चुका, तो हम क्या लिख सकते हैं, n2 बाय n1
is equals to, and 2 by n1 is equals to sine a plus del minimum by 2 by sine a by 2, sine a by 2. अच्छा, n2 by n1 को हम क्या लिखते आ रहे हैं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, हमने इसका डेरिवेशन भी प्रूफ किया. n2 by n1 को हम लिख सकते हैं n21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. n21 is equals to sine a plus del minimum by 2 by sine a by 2. यही होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम. सेकेंड मीडियम मतलब प्रिज्म. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में यानी एयर के रेस्पेक्ट में कितना होता है, साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2. तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. थैंक यू.